हेलो एंड वेलकम टू ओपेरिनिस्टिक। आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में आकाशवाणी और दूरदर्शन कब शुरू हुआ और अब वर्तमान में क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन, रेडियो एंड टेलीविजन इन मध्य प्रदेश आज हमारे इस सेशन का टॉपिक है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज facebook.com/operinistic इसको भी कृपया लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए हम लोग आज देखते हैं मध्य प्रदेश में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के बारे में। पहले आकाशवाणी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी का शुभारंभ हुआ था 22 मई 1955। ये बहुत याद रखने वाली डेट है, इसको कृपया याद रखिएगा। 22 मई 1955 को इंदौर से मध्य प्रदेश में आकाशवाणी यानी रेडियो की शुरुआत हुई थी। तो मध्य प्रदेश में आकाशवाणी का शुभारंभ 22 मई 1955 को प्रदेश के प्रथम आकाशवाणी केंद्र इंदौर से हुआ था। तो मध्य प्रदेश में रेडियो यानी आकाशवाणी की शुरुआत हुई 22 मई 1955 को। कहाँ से शुरुआत हुई? इंदौर से हुई। तो रेडियो स्टेशन इंदौर से इसकी शुरुआत हुई थी। अब भी आकाशवाणी इंदौर का जो केंद्र है वो सबसे बड़ा आकाशवाणी केंद्र है। 31 अक्टूबर 1956 को मध्य प्रदेश का दूसरा आकाशवाणी केंद्र भोपाल में स्थापित किया गया। तो पहला जो आकाशवाणी केंद्र था 22 मई 1955 को इंदौर से शुरू हुआ, 31 अक्टूबर 1956 को दूसरा आकाशवाणी केंद्र शुरू हुआ। कहाँ से? भोपाल से। ये सब बहुत ही याद रखने वाली चीज़ें हैं, इनमें से एक भी चीज़ भूलिएगा मत, क्योंकि प्री एग्जामिनेशंस में बिल्कुल स्ट्रेट अवे फैक्ट्स पूछते हैं। थोड़ा सा भी आप भूलें तो वो क्वेश्चन आपका जो है वो चला जाता। तो 15 सितंबर 1964 को तीसरा हुआ आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ। कहाँ पे हुआ? ग्वालियर में। तो 15 सितंबर 1964 को ग्वालियर में मध्य प्रदेश का तीसरा आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया। और चौथा हुआ जबलपुर में, 8 नवंबर 1964 को जबलपुर में मध्य प्रदेश का चौथा आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ था। तो ये चार आकाशवाणी केंद्र कब कब स्थापित हुए, कहाँ कहाँ स्थापित हुए, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप याद रखें। पहला आकाशवाणी केंद्र शुरू हुआ इंदौर से 22 मई 1955, दूसरा शुरू हुआ भोपाल से 31 अक्टूबर 1956, तीसरा शुरुआत हुई ग्वालियर में। थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा इसको स्टार्ट होने में। तो जो ग्वालियर से स्टार्ट हुआ आकाशवाणी केंद्र वो स्टार्ट हुआ 15 सितंबर 1964, और उसके बाद कुछ ही समय बाद 8 नवंबर 1964 को जबलपुर से मध्य प्रदेश का चौथा आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। फाइनली जो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आएगा कि मध्य प्रदेश में आकाशवाणी कब से शुरू हुई है, तो मध्य प्रदेश में आकाशवाणी यानी रेडियो 22 मई 1955 से शुरू हुई है। अब उसके बाद ये जो चार मेजर आकाशवाणी केंद्र थे, इनके बाद और भी आकाशवाणी केंद्र बने। कौन कौन से बने? 7 अगस्त 1976 को, अब ये काफ़ी लगभग 12 साल के बाद की बात है। 7 अगस्त 1976 को छतरपुर में मध्य प्रदेश का पांचवा रेडियो स्टेशन स्थापित हुआ था। तो पांचवा, चार तो मेन हो गए पहले इंदौर, फिर भोपाल, फिर ग्वालियर, फिर जबलपुर, और उसके करीब जबलपुर में जब स्थापित हुआ नवंबर में, उस नवंबर 1964 में, उसके करीब 12 वर्ष के बाद 7 अगस्त 1976 को छतरपुर में मध्य प्रदेश का पांचवा आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है ये जान लेते हैं। 1991-92 में मध्य प्रदेश में 9 आकाशवाणी केंद्र स्थापित किए गए थे और आकाशवाणी केंद्रों की कुल संख्या अब 15 हो गई है। टोटल 15 हो गई 1991-92 में, और वर्तमान में आज की डेट में कितने हो गए? 19। तो ये सवाल जब पूछा जाएगा कि वर्तमान में कितने रेडियो स्टेशंस हैं मध्य प्रदेश में, तो टोटल 19 रेडियो स्टेशंस हैं, टोटल 19 आकाशवाणी केंद्र। 1991-92 में सबसे अधिक आकाशवाणी केंद्र स्थापित किए गए थे, उसी वर्ष में 9 आकाशवाणी केंद्र स्थापित किए गए, और 1991-92 में कुल संख्या 15 कर दी गई थी।
और 1991-92 से अभी जो रेडियो स्टेशन स्थापित करने की रफ्तार है वो थोड़ी धीमी है। वो शायद इसलिए भी क्योंकि रेडियो स्टेशन जो हैं आजकल इतने पॉपुलर भी नहीं रह गए, रेडियो उतना पॉपुलर नहीं रह गया, आजकल दूसरे जो एंटरटेनमेंट के साधन हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, इस वजह से भी रेडियो स्टेशन की स्थापना जो है सरकार कम कर पा रही है। तो ये रेडियोज़ के बारे में था। शुरुआत हुई 22 मई 1955 से, वर्तमान में 19 आकाशवाणी केंद्र टोटल हैं, और इसके बीच की भी जानकारी कब कब कौन कौन से रेडियो स्टेशन स्थापित हुए ये भी आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश में दूरदर्शन की क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में, भारत में पहले जान लेते हैं, भारत में दूरदर्शन का आरंभ सितंबर 1959 में दिल्ली में हुआ था, जो कि एक प्रायोगिक, एक पायलट बेसिस पे हुआ था। तो प्रायोगिक तौर पे सितंबर 1959 में प्रायोगिक तौर पे दिल्ली में दूरदर्शन का शुभारंभ किया गया था। अब जब ये पायलट बेसिस पे काफ़ी समय तक चला, उसके बाद इसको पूरे देश में एक्चुअल जो इसका प्रसारण चालू कर लिया गया वो शुरू किया गया 1965 में। तो व्यवस्थित प्रसारण 1965 में शुरू हुआ। अब 1965 में जब शुरू हुआ तो इसको, दूरदर्शन को पॉपुलर होने में, घर घर पहुंचने में बहुत ही लंबा समय लगा है। आप लोग जानते भी होंगे कि दूरदर्शन घर घर में तब पहुंचने लगा जब रामायण और महाभारत ये सब सीरियल्स आने लगे। रामायण का खास तौर से जब सीरियल आया, जो कि लेट 1980s में आया, तो उस समय के बाद से फिर ये टेलीविज़न जो है वो घर घर पहुँचना स्टार्ट हुआ। लेकिन उससे पहले टेलीविज़न जो है वो उतना पॉपुलर नहीं था, शायद वो थोड़ा महंगा भी लगता था उस ज़माने में लोगों को, तो एक दूसरे के घर में देख के काम चल जाता था। तो इसका जो पॉपुलैरिटी थी वो थोड़ी धीमी थी। 1965 में शुरू हुआ और मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम दूरदर्शन का प्रसारण रायपुर से शुरू हुआ था, और रायपुर आज के डेट में छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो अब मध्य प्रदेश में रायपुर नहीं है, लेकिन सबसे पहले दूरदर्शन का प्रसारण रायपुर में शुरू हुआ था। भारत में एशियाई खेलों के समय 1982 में रंगीन टेलीविज़न का प्रसारण हुआ था। तो रंगीन टेलीविज़न, रंगीन जो प्रसारण था 1982 में शुरू हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको ना, एशियाई खेलों के समय पे हुआ था। और सबसे पहला जो कार्यक्रम उसमें दिखाया गया वो था, इस पर सर्वप्रथम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में लाल किले से ध्वजारोहण कार्यक्रम दिखाया गया था। लाल किले से ध्वजारोहण कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने भाषण दिया था, वो दिखाया गया था रंगीन टेलीविज़न पर पहली बार। 1982 में ही भोपाल में अल्प शक्ति ट्रांसमीटर लगाया गया था, और 1984 में इंदौर में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया 1984 में। ये कई बार आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी कि इंदौर में जो पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था वो 1984 में किया गया था, और इससे पहले जो भोपाल में हुआ था वो अल्प शक्ति ट्रांसमीटर था, वो एक्चुअली फुल फ्लेज ट्रांसमीटर नहीं था बल्कि एक अल्प शक्ति ट्रांसमीटर था। और मध्य प्रदेश में 4 रिले केंद्र भी हैं जिसमें उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगे हुए हैं। तो ये था मध्य प्रदेश में रेडियो और टेलीविज़न की क्या स्थिति है, उसके बारे में हमारी एक छोटी सी चर्चा। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हो, आपका कोई डाउट हो, आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमें कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगले एपिसोड में एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।